हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉकेट व्यू में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये समझ लीजिए एक तरफ से आप लोग का रिक्वेस्ट है। दोस्तों, आपने काफी ज्यादा मैसेज किया था मुझे इंस्टाग्राम पे, वो सारे के सारे मैसेज बस एक ही टॉपिक पे थे कि भाई मेरा अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, मेरा अकाउंट का ईमेल चेंज हो चुका है या फिर मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, प्लीज उसे रिकवर कर दे। तो मैं हर एक का अकाउंट रिकवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको जिस फ़ोन में आपने अपना फेसबुक चलाया होगा उसी फ़ोन को आपको इसमें यूज़ करना है। इसीलिए मैं आपका अकाउंट मैं रिकवर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आपको रिकवर करना है। तो ये वीडियो मैं उसी मैसेज को देख के, उसी आप लोग के सवालों का जवाब के लिए बना रहा हूं कि हाउ टू रिकवर योर फेसबुक अकाउंट अगर आपका अकाउंट जो है कि है वो हैक हो चुका है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम को जो मेरा आईडी है पॉकेट गुरु जी, आप वहां पे मुझे कोई भी क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं पॉकेट गुरुजी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने फेसबुक पे, किसी अनदर अकाउंट से आप अपना फेसबुक खोल लीजिएगा और यहाँ से आपको अपना अकाउंट सर्च कर लेना है। अगर मान लीजिए ये इस अकाउंट पे आपका वो पुराना वाला अकाउंट अगर फ्रेंड बनाए थे, तो आप सिंपली आप उसके प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी लिंक, कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारा नीचे दिखा रहा है लिंक टू प्रोफाइल कॉपी, यहाँ पे हमारा काम इतना हो गया। और इसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है facebook.com 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 आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ये खुल जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम facebook.com/ हटा देंगे, बाकी उसके बाद का पोर्शन जो भी है वो आपका यूजर नेम होता है उसको यहाँ पे आप रहने देंगे। तो इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। ओल्ड पासवर्ड टाइप करने के बाद, चलिए मैं भी अपना ओल्ड पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, और सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। रीसेट माय पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका ईमेल, जो भी आपका पुराना ईमेल होगा अगर वो इस पर होगा तो वो दिखेगा, नहीं होगा तो वो आपका जो चेंज हो गया। मान लीजिए कोई हैकर है वो आपका अकाउंट हैक कर लिया है, तो वहाँ पे इसका ये ईमेल दिखाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू नहीं करना है, नीचे आपको देखने को मिलेगा नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई कैन नॉट एक्सेस माई ईमेल अकाउंट, तो यहाँ पे आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके सामने न्यू ईमेल कन्फर्म न्यू ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आपको भी क्या करना है, एक ऐसा ईमेल डालना है जो कि हो ना, मतलब किस उस ईमेल एड्रेस से कोई भी फेसबुक अकाउंट बना ना हो, उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। आपको दो बार वही सेम ईमेल आपको अपने यहाँ पे फिल कर देना है, दोनों में न्यू ईमेल और कंफर्म न्यू ईमेल पे। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आई काउंट लॉग इन यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको अपना फुल नेम देना होगा, जो भी आपका फुल नेम था उसको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं अपना फुल नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपलोड आईडी पे क्लिक करना है। यानी यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, तो आपको कोई गवर्नमेंट आईडी यानी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी आपके कंट्री का आईडी होगा जिससे आपकी गवर्नमेंट आपको पहचानती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं आप वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जो भी लगता है, वो वहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड आईडी पे क्लिक करना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे दोस्तों कि अगर ये आपका फुल नेम और आईडी पे जो नेम है अगर वो दोनों मैच करता है तभी आपका कुछ काम बनेगा, नहीं तो अगर आपने नेम अपना कुछ और बनाया हुआ है, स्टाइलिश बनाया हुआ है या ऐसा वैसा रखा हुआ है और यहाँ पे आप आईडी अपलोड करेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूँ कि ये प्रोसेस आपका तभी वर्क करेगा जब आपने कभी अपना जो आपका फेसबुक है वो अपने क्रोम ब्राउज़र में चलाया होगा और उस चलाने के बाद आपने अपने फ़ोन को फॉर्मेट नहीं किया होगा, तभी ये आइडिया वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अपलोड आईडी पे क्लिक करना है। तो आपको अपने गैलरी से अपने डॉक्यूमेंट का फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिटिंग आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड हो गया है, और यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना है।
सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी आपको दिखाएगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, यू शुड रिसीव एन ईमेल रिस्पॉन्स शॉर्टली। तो यहाँ से आपको ओके कर दो। यहाँ पे अभी यहाँ पे दिखा रहा है थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया। अभी आपको वेट करना है कुछ दिन का, जब तक फेसबुक की तरफ से आपके पास एक मैसेज आएगा आपके ईमेल पे जो आपने नया ईमेल दिया हुआ है, तो उस पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वहाँ से सिंपली आप अपने फेसबुक के अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको रिसेट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों को वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़्यादा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।